नमस्कार दर्शकों, खबर मध्य प्रदेश से मैं हूं भावना जोशी आपके साथ। और इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पति पत्नी के बीच विवाद में पति ने खेत में खड़ी कार को आग लगा दी है। आपको बता दें कि कार पर पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया है और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। पूरी घटना जो है खुड़ेल थाना क्षेत्र के गाँव पिगरई की बताई जा रही है। और फायर ब्रिगेड के मुताबिक रात करीब 12 बजे उन्हें सूचना मिली थी कि खुड़ेल इंदौर रोड पर एक खेत में कार नंबर MP09CJ4886 में आग लगी हुई है। और सूचना के बाद दो टैंक पानी डालकर आग को बुझाया गया। यहां ग्रामीणों ने बताया कि किसी ने कार को खेत में खड़ा कर आग के हवाले कर दिया। और मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पता चला कि नजदीक में ही रहने वाले भीरूलाल ने उसकी पत्नी से विवाद होने के बाद कार को खेत में लेकर पहुंचा और यहां जाकर गाड़ी में आग लगा दी।